प्लाट आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ पहली बार दो प्रत्यक्षदर्शी सामने आए हैं। गुरुवार को प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही कोर्ट में होनी थी, हालांकि यह गवाही टल गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को दी 161 के बयान में कहा है कि विधायक इरफान और उनके गुर्गों को आग लगाते समय देखा गया है। इनकी गवाही बेहद अहम मानी जा रही है। दोनों की गवाही पूरी होने के बाद कोर्ट सोलंकी समेत अन्य आरोपियों पर फैसला सुना सकती है। प्लाट आगजनी प्रकरण में 14 गवाह एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। इसमें से एक भी गवाह प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। अब जांच के दौरान पुलिस के सामने ऐसे दो गवाह सामने आए हैं जो घटना के समय वहां से गुजर रहे थे। इनका दोनों पक्ष से कोई संबंध नहीं है। ये गवाह स्वयं पुलिस के सामने आए हैं। ये दोनों प्रत्यक्षदर्शी और स्वतंत्र गवाह हैं। दोनों के बयान पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। अब कोर्ट में बयान दर्ज कराया जाना बाकी है।